गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने क्या सीखा था? स्पॉट ड्रिबलिंग, ठीक है ना। स्पॉट ड्रिबल यानी खड़े खड़े जो नी बेंड करके ड्रिबल करने के जो वेरिएशंस थे, ठीक है। राइट हैंड से किया था, लेफ्ट हैंड से किया था, और क्या किया था, बोथ हैंड ड्रिबल किया था, बिटवीन द लेग्स किया था, बैक ड्रिबल किया था। इस तरीके से जो स्टैंडिंग ड्रिबल के वेरिएशंस थे वो सीखे थे, ठीक है। हम लोग रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और उन चीज़ों को हम लोग अपने डेली प्रैक्टिस में लाएंगे। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वह पासिंग के वेरिएशन सीखेंगे, यानी जो गेम सिचुएशन में हम लोग पासिंग करते हैं, टू मैन पासिंग, थ्री मैन पासिंग, फोर मैन पासिंग, फोर कॉर्नर पासिंग, और भी बहुत सारे पासिंग के ड्रिल्स हैं, वो भी सिखाएंगे। लेकिन आज ये तीन चार पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। टू के पैर में, दो के पैर में आप लोग लाइन बना लीजिए तुरंत। अब एक बार समझ लो कैसे करना है। टू मैन पासिंग में जो दिक्कतें आती हैं, जो आप लोग गलतियां करते हैं, वह ख्याल में रख लेना है। सबसे पहले बॉल पकड़ना, बॉल पकड़ते समय आप पास कैसे करते हैं वो देखना है आपको। पहले कोई भी पास कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चेस्ट पास से सीखेंगे, ठीक है। ज्योति में आ गया ना, और आगे, ठीक है। जब हम यहाँ से टू मैन पासिंग करते हुए चलते हैं, तो उसमें क्या करना, जब पास करते हैं तो आप लोग क्या करते हो, जैसे आप मूवमेंट करते हैं, आप दौड़ रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी आगे जा रही होती है हर एक स्टेप पे, तो आपको पास कहाँ करना है, आगे वाले हाथ पे। और जो पास लेगा वो हाथ दिखाएगा आगे की तरफ, ठीक है ना। जैसे इधर से बॉल आ रही है, तो हमें पास कहाँ करना है, आगे वाले हाथ पे डायगनल, ठीक है। और रिसीव कैसे करना है, रिसीव करके और पास करना है। तो ये चीजें ध्यान देनी है। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको पास करना है आगे वाले हाथ पे। जैसे ज्योतिर्मय को पास करना है, तो फेस इधर होगा, इधर फेस करिए, ठीक है ना। अब हमें ये पीछे वाले हाथ पे पास नहीं करना है, कहाँ पास करना है, आगे वाले हाथ पे। और लेने के लिए बॉल को क्या करना है, आगे हाथ को बढ़ाना है, ये ध्यान देना है। एक बार करके दिखा देते हैं, फिर उसके हिसाब से आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान देना है, पास करते करते आपको रनिंग नहीं करनी है, यानी धीरे धीरे करके दिखाऊंगा। आ गया ना, जैसे ये बॉल हमें देना, बॉल देना, ये बॉल मिलने के बाद यहाँ पे वन टू पास, वन टू पास, ठीक है ना। वन टू अप, यानी आपको बॉल जहां पे मिल गई वहां पे मन में काउंट वन कर लेना है। वन काउंट के बाद आपको पास करना है टू पे, ठीक है ना। वन टू पास, जैसे लेफ्ट शॉट में करते थे वही स्टेपिंग होती है, ठीक है ना। एक एक करके पेयर वाइज करेंगे, तैयार हो? यस सर। ओके, ठीक है ना। जैसे ये पास किया निखिल ने, कहां पास किया था, पीछे, पास कहां करना है, आगे वाले हाथ पे, ठीक है ना। ये रनिंग पोजीशन में बॉडी होगी आपकी, जाओ ये पास करना है आगे, ठीक है ना। हमेशा आगे वाले हाथ पे पास, बॉल आप कॉल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर से करेंगे, गो, चेस्ट लेवल पे पास, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट, जाते रहो बहुत बढ़िया। वेट वेट वेट, लाइन थोड़ा कम करो, बस इस लाइन के ऐसे पैरल जाना, ठीक है ना। यहाँ पे लाइन से हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, लाइन में रहो, पीछे लाइन में लगते जाओ, फिर मुश्किल आएगी। छोटे पास करना, आगे वाले हाथ पे पास करना, जागना, आप ठीक पास किया पीछे, आगे वाले वो भागेगा, वो आगे वाले हाथ में देना है, वो जज करना है आपको। पैरेलल पास, पैरेलल पास, आगे वाले हाथ पे,
शाबाश शाबाश शाबाश, आगे वाले हाथ पे चलो रेडी गो। आगे वाले हाथ पे करो पैरेलल पास और बॉल पहुंचाओ साथ में। जाना सामने है पास डायगनल करना है। गो नेक्स्ट, जाना स्ट्रेट है पास डायगनल करना है। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग क्लैपिंग, वेरी गुड। और पास आ जाओ, पास आ जाओ जस्टिना, आगे वाले हाथ से पास, आगे वाले हाथ से पास। पीछे पास कर दिया, आगे वाले हाथ से पास, बॉल मांगो। आगे हाथ करके बॉल मांगना है, ठीक है? जैसे इधर भाग रहे हो तो ये बॉल मांगनी है, ठीक है? और देने वाले को क्या ख्याल रखना है कि आगे वाले हाथ पे पास देंगे। इधर से जा रहे हो, दौड़ के जाओगे आगे वाले पे, तो आपको ये पास करना है डायगनल, सामने सामने पास नहीं करना है, ठीक है? और सामने वाले की क्षमता भी देखनी है कि वो कहां तक पकड़ सकता है। यहां पे दे दिया बॉल, यहां पे दे दिया, यहां से पकड़ेगा तो कहां पे पास करेगा, तो चेस्ट लेवल पे पास करनी है और आगे एडवांस, ठीक है ना? ये टू मैन पासिंग है। गो और पास पास करो आगे वाले हाथ पे, क्या तुम लोग छोटा।